फिल्मी टॉक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो महेश बाबू की आने वाली अनटाइटल फिल्म SSMB 29 को लेकर कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म को एक नहीं बल्कि दो पार्ट्स में बनाने वाले हैं, जिसकी शूटिंग मेकर जनवरी 2025 से स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें SSMB 29 एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर SS राजामौली डायरेक्ट करेंगे, जिसके प्री प्रोडक्शन को मेकर्स ने स्टार्ट कर दिया है और आने वाले कुछ दिनों में हमें SSMB 29 से जुड़ी कास्टिंग अपडेट देखने को मिलेगी। अभी तक मेकर्स ने इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, पर कहा जा रहा है कि SSMB 29 के मेकर्स इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट संक्रांति 2025 में कर सकते हैं। तो देखना होगा कि SSMB 29 को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक देखने को मिलती है। सनी देओल की आने वाली अनटाइटल फिल्म SDGM से मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए बताया है कि SDGM के टाइटल और इसके फर्स्ट लुक को सनी देओल के जन्मदिन पर यानी 19 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें सनी देओल की अनटाइटल फिल्म एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें सनी देओल के साथ रेगिना कैसेंड्रा सयामी खेर और रणदीप हुड्डा लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और सनी देओल की अनटाइटल फिल्म हमें 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स की आने वाली फिल्म जय हनुमान के मेकर्स ने ऋषभ शेट्टी को इस फिल्म के लीड एक्टर के लिए अप्रोच किया है। पहले कहा जा रहा था कि मेकर्स ने इस फिल्म के लिए यस को अप्रोच किया था, पर अपने बिजी शेड्यूल के चलते यस ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। अब मेकर्स ने इस फिल्म में लीड रोल के लिए ऋषभ शेट्टी को अप्रोच किया है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म को जानी मानी प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसे डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ही डायरेक्ट करेंगे। अभी तक इस फिल्म की ऑफिशियल कास्ट और इसके शूटिंग शेड्यूल को लेकर ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, पर डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने कंफर्म किया है कि आने वाले समय में एक ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा जो कि PVCU की अपकमिंग फिल्म है और उनकी टाइमलाइन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेगा। तो देखना होगा कि प्रशांत वर्मा अपनी इस वीडियो को कब तक रिलीज करते हैं और उनकी फिल्म जय हनुमान से जुड़ी ऑफिशियल अपडेट हमें कब तक देखने को मिलती है। अक्षय कुमार की आने वाली अनटाइटल फिल्म जो किसी शंकरन नायर की बायोपिक होगी, इस फिल्म से मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए बताया है कि अक्षय कुमार की अनटाइटल फिल्म हमें 14 मार्च 2025 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। आपको बता दें इस अनटाइटल फिल्म की कहानी द केस दैट सॉक द एम्पायर के ऊपर बेस होगी, जिसे डायरेक्टर करण सिंह त्यागी ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार के साथ अनन्या पांडे और आर माधवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और अक्षय कुमार की अनटाइटल फिल्म हमें मार्च 2025 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। रामचरण की आने वाली फिल्म गेम चेंजर के मेकर्स ने रामचरण और कियारा आडवाणी के बीच एक मेलोडी सॉन्ग को शूट किया है, जिसका बजट है लगभग 20 करोड़, और इस गाने को इंडिया के साथ कई बाहरी देशों में शूट किया गया है, जिसका लिरिक्स वीडियो नवंबर के महीने में देखने को मिलेगा। आपको बता दें रामचरण की फिल्म गेम चेंजर एक बड़ी एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे लगभग 400 से 450 करोड़ के बजट में बनाया गया है। और वहीं इस फिल्म को डायरेक्टर शंकर ने डायरेक्ट किया है, जिसमें हमें रामचरण के साथ कियारा आडवाणी और SJ सूर्या लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और रामचरण की ये पैन इंडिया फिल्म हमें 10 जनवरी 2025 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रभास को एक कहानी सुनाई है जो कि प्रभास को काफी पसंद आई है, पर अभी तक ये फाइनल नहीं किया गया कि आगे प्रभास इस कहानी के ऊपर काम करेंगे या नहीं। और प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म उनके सिनेमेटिक यूनिवर्स PVCU का पार्ट होगी, ये एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी। तो देखना होगा कि क्या आने वाले समय में प्रभास अपनी करंट लाइनअप को कम्प्लीट करने के बाद डायरेक्टर प्रशांत वर्मा के साथ काम करते हैं या नहीं। जैसा कि आपको पता, कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी सितंबर 2024 को रिलीज होने वाली थी, पर सेंसर सर्टिफिकेशन न होने के कारण मेकर्स ने अपनी इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया था। पर अब कंगना रनौत ने कंफर्म किया है कि उनकी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका है और आने वाले कुछ दिनों में इमरजेंसी के मेकर इस फिल्म की नई रिलीज डेट को अनाउंस करेंगे। आपको बता दें कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है, जिसमें कंगना रनौत इंदिरा गांधी जी के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। और इस फिल्म को कंगना रनौत ने ही डायरेक्ट किया है। तो देखना होगा कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी की नई रिलीज डेट क्या होती है। श्री मुरली की आने वाली फिल्म बगीरा से मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए बताया है कि बगीरा का ट्रेलर 21 अक्टूबर को सुबह 9:36 में रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें श्री मुरली की ये फिल्म एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर सूरी ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें श्री मुरली के साथ रुक्मणी वसंत लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और ये फिल्म हमें 31 अक्टूबर 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। पहले कहा जा रहा था कि बगीरा के मेकर इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज करने वाले हैं, पर अभी कुछ दिन पहले मेकर्स ने इसके पहले गाने को रिलीज किया, जिसे कन्नड़ा और तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया है। तो अब कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज ना करके कन्नड़ा और तेलुगु भाषा में रिलीज करने वाले हैं। अगर आपको भी सिंघम अगेन के पहले गाने का इंतजार था, तो मेकर्स ने सिंघम अगेन के पहले गाने जय बजरंग बली के प्रोमो को रिलीज कर दिया है। और
और मेकर्स इस पूरे गाने को 19 अक्टूबर को रिलीज करेंगे। आपको बता दें, डायरेक्टर रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पॉप यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है, जो हमें 1 नवंबर 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तेरे सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।